वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूजे के प्यार में गुम हैं। ये बात फिल्म इंडस्ट्री में सभी को अच्छे से पता है। दोनों ही लवबर्स जल्द ही आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ पहली बार ऑन स्क्रीन भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों स्टार्स को साथ देखने का क्रेज भी दर्शकों में बढ़ा हुआ है। इस बीच अपने बेहद ही बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही छुट्टियां बिताने के लिए यूरोप की ओर निकलने वाले हैं। दोनों की इस वेकेशन ट्रिप को लेकर खबरें हैं कि दोनों इसी दौरान इटली के लेक कोमो सिटी में भी घूमने जाने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये शादी की प्लानिंग करने का कोई हिस्सा तो नहीं। याद दिला दें कि बीते साल इटली में लेक कोमो सिटी में ही दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की शादी भी हुई थी। इतना ही नहीं, दीपिका से पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की भी यहीं जाकर शादी हुई थी। ऐसे में रणबीर और आलिया ने इसी जगह को घूमने के लिए चुना है, तो इसके पीछे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन दोनों की शादी के कयास भी बीते काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं। रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर की खराब तबीयत के चलते भी इनकी शादी पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब जब ऋषि कपूर ठीक हो गए हैं तो हो सकता है कि रणबीर और आलिया की शादी जल्द ही हो। ऐसे में हो सकता है कि आलिया और रणबीर अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने के लिए इटली के लेक कोमो सिटी को घूमकर कुछ प्लान करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बीते काफी दिनों से काम में काफी ज्यादा बिजी हैं और इसी के चलते इन्हें खास छुट्टी की जरूरत है। ऐसे में रणबीर आलिया लेक कोमो के लिए निकलने वाले हैं और वहां की खूबसूरती का लुत्फ भी उठाने वाले। दोनों इस ट्रिप में यूरोप की कई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। इस छुट्टी के बाद दोनों काम पर लौटने वाले हैं। वैसे आलिया और रणबीर दोनों को ही एक दूसरे के घर वाले पसंद करते हैं और इनके परिवार की बॉन्डिंग भी देखकर साफ लगता है कि इनकी शादी जल्द ही हो सकती है। इधर दोनों अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के बाद शादी के बंधन में बन सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।